सो प्लीज कन्वर्ट 5 किलोमीटर 30 मीटर इन डेसिमल फॉर्म। हाँ जी, कितने बच्चों ने कर दिया? हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन? वेरी गुड, जल्दी से कीजिए बच्चों। हाँ जी, कौन बताएगा बेटा? आ जाओ एक बच्चा, आ जाओ सेक्शन ए से। सेक्शन ए बेटा, 5:30 मीटर। आप सेक्शन ए से हो? अच्छा, इधर आ जाओ। 5:30 मीटर है ना? आओ जरा, आओ आ जाओ। अब आपने बोला ये तो आ जाओ ना। 6 ई से बेटा, आप आओ दोबारा से, जिसने बोला था। प्लीज कम अगेन। हाँ जी, रिपीट कीजिए जरा। फर्स्ट आई कन्वर्ट 5 किलोमीटर इन टू मीटर। हाँ जी, कितना बन गया? राइट, सर 5,000 मीटर। सर तो देन प्लस 13 5,000 मीटर। डेसिमल में क्या लिखा है इसको आपने? हाउ विल यू राइट इन डेसिमल फॉर्म? सेक्शन डी से बताइए बेटा। कोई एनी स्टूडेंट फ्रॉम सेक्शन डी? सेक्शन 6D, कैन यू पीपल हियर मी? डी वाले स्टूडेंट, अपना कैमरा, अपना माइक ऑन कीजिए। 6D, हाँ जी, आप बताइए बेटा। प्लीज टेल मी 6D। सर 5.030 किलोमीटर। 5.03 किलोमीटर। 5.03। बच्चों, जो 5 किलोमीटर है इसको तो आपने एज इट इज लिख दिया। 30/1000, व्हाट इट बिकम्स? ये हो गया बेटा। तो डेसिमल पार्ट यहां से आएगा आपके पास। इज इट क्लियर? समझ में आया सबको? Yes. चलिए, हमने बेटा कल असाइनमेंट कहाँ तक की थी? MCQ. हाँ जी, हमें करना है एमसीक्यू। सेकंड वाला 6 कर दिया था हमने, 7 कर दिया था बेटा। Yes. एक क्वेश्चन करना है, डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन में क्वेश्चन दिया हुआ है 2.3 0.03। प्लीज कीप क्वाइट। 2.03, 2.33, 2.05। हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलर वन एंड द ग्रेटेस्ट नंबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसको बेटा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। विच वन इज द स्मॉलेस्ट, विच वन इज द ग्रेटेस्ट, राइट? तो दिस इज 2.3, दिस इज 0.333 एंड 0.05। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ऑल थ्री नंबर्स इन टू डेसिमल प्लेसेस, बट जो फर्स्ट नंबर है दैट इज अप टू 1 डेसिमल प्लेस। तो व्हाट वी डू, विल कन्वर्ट ऑल द नंबर इनटू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो कैन यू फाइंड दिस इज 30, राइट बच्चों? यस और नो? नाउ इन ऑल द नंबर्स आफ्टर होल पार्ट है दैट इज 2। 2 बेटा सेम है सब में, तो टू तो सेम है बच्चे। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कंपेयर द डेसिमल पार्ट, राइट? डेसिमल पार्ट में 10th प्लेस पे जो डिजिट है, वी हैव टू कंपेयर दैट
इट इज 0, मीन दिस इज ग्रेटर, दिस इज आल्सो 3, दिस इज 0, तो दीज टू आर 0 0, तो दीज टू विल बी द स्मॉलर वन, राइट। अब ये 3 0 है बेटा, ये 3 3 है, तो दिस इज द ग्रेटेस्ट वन, जो है दैट इज द ग्रेटर वन, क्योंकि जब आपने 100 प्लेस पे जो डिजिट है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 3 है, और आपने 10 प्लेस वाली डिजिट कंपेयर की, 10 प्लेस वाली डिजिट, दिस इज आल्सो 3, दिस इज आल्सो 3, राइट। सो नेक्स्ट वी हैव टू लुक एट द अदर डिजिट, नेक्स्ट डिजिट दैट इज डिजिट एट द 100 प्लेस, 100 प्लेस की डिजिट यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 3 है, तो दिस विल बी द ग्रेटेस्ट वन, यस यस। यस सर यस सो नाउ दिस इज द ग्रेटेस्ट एंड देन इज 2.30। वी हैव टू चेक द स्मॉलेस्ट वन, दीज टू नंबर हैव 0 एट 10 प्लेस, बट एट 100 प्लेस दिस हैज 3, दिस हैज 5, सो व्हिच वन इज ग्रेटर? 5। फाइव तो सर, स्मॉलेस्ट नंबर विल बी, फाइव सर, थ्री नाउ वी गॉट द स्मॉलेस्ट आल्सो, वी गॉट द ग्रेटेस्ट आल्सो, नाउ वी हैव टू फाइंड देयर डिफरेंस। तो अब इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट कीजिए बच्चों। डन डन। कितने बच्चों ने कर लिया? गुड। कितना आया बेटा डिफरेंस? 0.30। 2.30। देखिए क्या करना है आपको, 2.33 माइनस 2.0 3 0, कितना आ गया बेटा? ठीक है बच्चों, तो 8th क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? सी चॉइस, सी ऑप्शन बी ऑप्शन, राइट। क्लियर है बच्चों? सही है। यस नाउ वी मूव टू द 9th क्वेश्चन। Is what should be subtracted from 102.57? Get the greatest two digit number। बच्चे ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर कौन सा है? नाइन नाइनटी नाइन। तो we have to get 99, what we shall subtract here? क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा? आप किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो 102.57 से और आंसर 99 आ रहा है, तो व्हाट डज मीन? अगर 3.57। 99 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, तो यू विल गेट द आंसर। तो जस्ट सब्ट्रैक्ट 99 फ्रॉम 102.57, तो कितना आंसर आ रहा है बच्चों? आपको 3.57 आता है सब्ट्रैक्शन करना? 7 में से 0 7। हाँ जी, 102 में से 99 सब्ट्रैक्ट करना आता है ना, कैरी फ्रॉम वन 12 हो गया, 12 माइनस 9 3 0 3.57 3.57। 3.57, राइट, मीन 3.57। इज दिस क्लियर? यस और नो? हाउ यस मेनी ऑफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन को समझ नहीं आया बेटा? एनीवन? चलिए, तो वी हैव डन द 9th क्वेश्चन। नाउ वी मूव टू द असर्शन रीजन। असर्शन 33.785 इज लेस देन 33.373, ये ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स फॉल्स क्यों है? बिकॉज 3.785 इज ग्रेटर देन 33.373। देखिए बेटा, इन दोनों का होल पार्ट सेम है,
ये 10th प्लेस की डिजिट है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है, तो देयरफॉर दिस विल बी ग्रेटर। तो ये क्या हो गया हमारे पास, फॉल्स। तो अब रीजन पे आ जाते हैं। एनी टू डेसिमल नंबर कैन बी कंपेयर्ड, द कंपेरिजन कैन स्टार्ट विद होल पार्ट। बेटा ये लैंग्वेज समझ आ रही है? वो क्या कह रहा है कि कोई भी दो डेसिमल नंबर्स को हम कंपेयर कर सकते हैं, एंड द कंपेरिजन स्टार्ट विद होल नंबर। जैसे अभी हमने किया ना, ये दोनों का जो होल पार्ट है 33 है, ऑप्शन है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, होल पार्ट को कंपेयर किया, ठीक है। इफ होल पार्ट्स आर इक्वल देन द 10th पार्ट्स कैन बी कंपेयर्ड एंड सोन। तो देखिए 10th पार्ट को किया, अब हमने 10th पार्ट को किया 7 और 3, तो 7 ग्रेटर था, तो देयरफॉर ट्रू 0.785 इज ग्रेटर, राइट। अगर ये दोनों सेम होते, मतलब दोनों 7 होते हैं, दोनों 3 होते, सो देन वी हैव मूव टू द 100th प्लेस डिजिट एंड देन सो ऑन। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? ट्रू असम्पशन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। सो विच ऑप्शन सी ये होती है बेटा? ऑप्शन डी ऑप्शन होती है बच्चे। ए ऑप्शन क्या होती है? ए फॉल्स एंड आर इज ट्रू, ए ऑप्शन ए बोथ आर ट्रू एंड ए इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर, नो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नो बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है जी। बी ऑप्शन क्या होती है बच्चों? एंड व्हाट इज सी ऑप्शन? सी ऑप्शन होती है बेटा, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, एंड ऑप्शन इज ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। सो देयरफॉर इन दिस केस इट इज द डी ऑप्शन, एज ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, राइट। बच्चे सेकंड क्वेश्चन, असर्शन 2 किलोग्राम 9 ग्राम कैन बी रिटन एज 2.09009। ट्रू 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 बोल रहा है ट्रू, डी से आवाज आ रही है। बेटा मेरे को क्वेश्चन को रीड कर लेने दो पूरा। रैपिड रैपिड फायर शुरू कर देते हो आप लोग, हाँ। लेट मी कंप्लीट द क्वेश्चन बेटा। तो 2 किलोग्राम 9 ग्राम, आंसर दो, इज इट ट्रू? सम स्टूडेंट आर सेइंग 2.009 इज करेक्ट, इज इट ट्रू? सर यस बेटा, 9 ग्राम है तो ये 009 कैसे आया? यस बच्चों, 9 ग्राम जो है वो 009 कैसे बना बेटा? हाँ जी, नाइन बाय 1000 दिस विल बिकम 0.009, तो 2 तो है ही है बेटा, तो दिस विल बी क्या? क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? ट्रू है। व्हाट इज रीजन? 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 अपॉन 1000 किलोग्राम, रीजन इज आल्सो ट्रू। तो कौन सी ऑप्शन आएगी बेटा? ऑप्शन आ गई, सबको समझ आ गया बेटा? लेकिन ये वो अप्लाइड द सेम कॉन्सेप्ट, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 अपॉन 1000, तो 9 ग्राम विल बी इक्वल टू 9 अपॉन 1000, थाउजेंड ठीक है। तो इट विल बी टू पॉइंट जीरो जीरो टू पॉइंट जीरो जीरो नाइन तो नाइन बोथ आर ट्रू, सो हेंस द ऑप्शन विल बी राइट चॉइस विल बी। हियर यू आर बिजी, आई एम टॉकिंग टू यू पीपल। राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ए ऑप्शन ए ऑप्शन। नाउ टू द थर्ड असर्शन इज 1.56 मीटर इस, बेटा कोई भी आंसर नहीं देगा, जिससे पूछा जाएगा वही आंसर करेगा। 1.56 मीटर इज सेम एज 15 मीटर 6 सेंटीमीटर,
हाँ जी प्लीज ट्राई टू गैदर इट इज ट्रू और फॉल्स, नो बडी विल आंसर, जिससे पूछा जाए वही आंसर करेगा। हाँ जी बच्चों प्लीज डू इट, ओके 1.56 मीटर इज इक्वल टू 15 मीटर 16 सेंटीमीटर। हाँ जी हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन, प्लीज रेज योर हैंड्स। थ्री स्टूडेंट्स, दैट्स इट, हमारे सेक्शन में मिला के 2-3 बच्चों ने किया अभी तक। प्लीज डू इट बच्चों, कन्वर्जन कीजिए, कल मैंने सिखाया है। हाउ मेनी सेंटीमीटर आर देयर इन 1 मीटर? 100 सेंटीमीटर, यस, 100। तो प्लीज चेक करिए करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। हाँ जी रोल नंबर 13 इन सेक्शन ए, हु इज रोल नंबर 13? आ जाओ बेटा। हाँ जी बेटा इज इट करेक्ट? फॉल्स है, तो इसको करेक्ट करके बताएंगे आप? कैन यू करेक्ट इट बेटा? आप तो कैमरे में आ जाओ थोड़ा सा, आप कैमरे से बाहर ना जाए। हाँ थोड़ा और इधर आ जाओ, और आ जाओ। अब बोलिए बेटा, कैन यू करेक्ट इट, यस और नो? बेटा यस और नो, कैन यू करेक्ट सर इट? प्लीज टेल मी हाउ टू करेक्ट इट। नोबडी शुड हेल्प हर। हाँ जी इन द मीन टाइम सेक्शन ई से रोल नंबर 21 आ जाए। सेक्शन ई रोल नंबर 21, हु इज देयर? सर ही इज एब्सेंट, सर 22। टू है, थर्ड वाला सेशन। बेटा मैंने आंसर पूछा है, मेरा क्वेश्चन क्या था कि 1.56 मीटर इज इक्वल टू 15 मीटर? सर इट इज फॉल्स, इट्स फॉल्स। आप बैठ जाइए बेटा सेक्शन ए से। हाँ जी इट इज फॉल्स, बट माय क्वेश्चन इज प्लीज करेक्ट इट। सर इट इज 1.56 मीटर सर, एंड हेयर इन सेकंड ऑप्शन देयर इज 15 मीटर 6 सेंटीमीटर सर, इफ देयर इज 15.6 इट विल ट्रू। क्या बोल रहे हो आप? क्वेश्चन क्या था और आपने क्या आंसर किया? मैं बोल रहा हूँ बेटा यहाँ पे है 1.56 मीटर सेम एज 15 मीटर 16 सेंटीमीटर, ये लिखा हुआ बेटा। तो यू आर सेइंग इट इज फॉल्स, यही बोल रहे हो आप? माय क्वेश्चन इज प्लीज करेक्ट इट, इसको करेक्ट कीजिए इन दिस फॉर्म। हाउ वी कैन राइट इन दिस फॉर्म? सर 5 के बाद पॉइंट आ जाएगा। बेटा मैं बोल रहा हूँ इसको अगर हमें 1.56 मीटर को इस फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? सर हम 5 के बाद पॉइंट लगा बेटा देंगे। आप क्वेश्चन नहीं फॉलो करेंगे। इट विल बी 1 मीटर 56 सेंटीमीटर, राइट? ये बोल रहा हूं मैं, किसको करेक्ट करना है उसको नहीं करना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपरली बच्चों। व्हाट वाज माय क्वेश्चन? प्लीज करेक्ट दिस इन दिस फॉर्म, दिस इज फॉल्स, बट इफ वी हैव टू राइट दिस 1.56 मीटर इनटू दिस फॉर्म, हाउ वी विल राइट इट? करेक्शन का मतलब यही हुआ ना बेटा, यस और नो? सर यश, ठीक है क्लियर? प्लीज सिट डाउन। सर राइट बच्चों, तो जो आपका असर्शन है दैट इज फॉल्स, असर्शन इज फॉल्स। नाउ द रीजन इज गिवन, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, इज दिस ट्रू? इज इट ट्रू? तो राइट आंसर विल बी
बी ऑप्शन डी ऑप्शन, डी ऑप्शन डी ऑप्शन डी ऑप्शन ये ऑप्शन होगा बेटा। अभी तो बताया मैंने आपको, कंडीशन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, दैट्स मीन डी ऑप्शन। इज इट क्लियर? यस नाउ कम्स टू द लास्ट असर्शन रीजन। डेसिमल्स कैन बी एडेड और सबट्रैक्टेड बाय राइटिंग देम विद इक्वल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? Decimals can be added or subtracted by writing them with equal number of decimal places. Is this true or false? कौन बताएगा बेटा? Please raise your hands. Decimals can be added or subtracted by writing them with equal number of decimal places. First of all, tell me whether you have understood this statement or not. तो नहीं समझ आया, प्लीज रेज योर हैंड। स्टेटमेंट नहीं क्लियर है, प्लीज टेल मी। तो क्लियर है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द स्टेटमेंट? ओनली वन टू। मैंने पूछा कितने लोगों को क्लियर है? एक तो। कितने लोगों को नहीं क्लियर है? तब भी एक दो लोग खड़े हैं। चलिए मैं बुला लेता हूँ कुछ। कितने लोगों को क्लियर है? कितने लोगों को नहीं क्लियर है? अरे नन ऑफ द अबव वाले ज्यादा है यहाँ पे, है ना? तो नन ऑफ द अबव वाले कौन से हैं? बाकी सारे आप यस में भी नहीं हो, आप नो में भी नहीं हो, तो आप किस में हो फिर? हाँ जी, नन ऑफ द अबव में भी नहीं हो। कौन बताएगा बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? एनी वन फ्रॉम सेक्शन ई कैन कम फॉरवर्ड। सेक्शन ई से कोई भी आ जाए बेटा, आ रही है। हाँ जी बच्चे, स्टेटमेंट का मतलब ये है कि हम डेसिमल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं अच्छा कैसे कर सकते हैं? ये भी तो लिखा हुआ है ना इसमें। बाय राइटिंग इक्वल नंबर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट बाय राइटिंग इक्वल नंबर? कुछ सर जो डेसिमल प्लेसेस है ना वो इक्वल होनी चाहिए एग्जांपल देके बताओ ना बेटा। सर। 3/20 2/57 प्लस 3 बाय या 3 पॉइंट? 3.03 3 पॉइंट बोलिए जरा। 2.57 ये देखिए बेटा, यू आर वेरी राइट बेटा, वेरी गुड। प्लीज सिट डाउन बच्चे। जब भी आपको डेसिमल नंबर्स को ऐड करना है, सबट्रैक्ट करना है, यू हैव टू राइट इन सच ए वे दैट आफ्टर द डेसिमल द नंबर ऑफ डिजिट शुड बी सेम, राइट? इफ यू रिमेम्बर, हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था, द क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन वी वर कंपेयरिंग, हमने क्या किया था बेटा? देयर वाज अ क्वेश्चन जिसमें 2.3 था, तो ऑल अदर वर लाइक दिस, तो वी हैव मेड द डेसिमल प्लेसेस सेम। वी हैव मेड द डेसिमल प्लेसेस सेम बच्चों। यस व्हेनेवर यू हैव टू ऐड और सबट्रैक्ट द डेसिमल नंबर्स, द डिजिट आफ्टर द डेसिमल प्लेस शुड बी इक्वल, राइट? फॉर एग्जांपल, मुझे सब्ट्रैक्ट करना है 2.6 में से 1.375। हाउ आई विल सब्ट्रैक्ट इट? कैन आई डू नॉट? यस आई कैन, बट फॉर दैट आई हैव टू पुट 2 जीरोस हियर। नाउ आई कैन डू इट। दिस यस इज द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन। अब आ जाओ, तो दिस इज करेक्ट बेटा। तो आपका जो असर्शन है वो ट्रू हो गया। अब रीजन पे आ जाते हैं। अच्छा, रीजन गिवन है 23.05 एंड 163.837 कांट बी एडेड एज दे हैव डिफरेंट डेसिमल प्लेसेस।
कर सकते हैं बेटा हम, कैसे ऐड कर सकते हैं उसको, दोनों के डेसिमल प्लेसेस इक्वल करके। तो दैट इज ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, विच ऑप्शन? ऑप्शन सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन, राइट। चलिए, किसी बच्चे को कोई डाउट है अभी तक जितने क्वेश्चन किए उसमें? नो। या केस स्टडी करते हैं बच्चों? यस, केस स्टडी पे आ जाते हैं। मैन हैज ए वेट ऑफ 40 किलोग्राम, 650 ग्राम। एडम इज 4,300 ग्राम हैवियर देन सुजान, एंड जेम्स इज 2.9 किलोग्राम लाइटर देन सुजान। आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस इन्फॉर्मेशन। देर आर थ्री पर्सन, मैन हर वेट इज 40 किलोग्राम, 650 ग्राम। राइट बच्चों? मैन इज एडम, ही इज हैवियर देन सुजैन। देन वी हैव जेम 2.9 किलोग्राम लाइटर, लाइटर देन सुजैन। राइट बच्चों? तो दिस इज द इंफॉर्मेशन गिवन टू अस। नाउ वी हैव टू आंसर द क्वेश्चन ऑन बेस ऑफ दिस। व्हाट इज द वेट ऑफ सुजैन इन केजीज? क्या कर रहा है बेटा, इसको डेसिमल लगाइए जरा, कहाँ लगेगा? हाँ जी, 40 किलोग्राम, 650 ग्राम्स। हाउ यू कैन राइट इन द डेसिमल फॉर्म? सर 40.65 650। देखिए बच्चे, 40 किलोग्राम तो एज इट इज आ जाएगा, 650 को आपने डेसिमल में डालना है, तो बी ऑप्शन आगे बेटा 650/1000, ये करना है हमें, बिकॉज 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। यस तो 0 से 0 कैंसल होगी और पॉइंट 65, यस दिस विल बी 40.65 किलोग्राम। ऑप्शन बी ऑप्शन बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द वेट ऑफ एटम? नाउ यू हैव टू फाइंड द वेट ऑफ एटम। दिस इज द वेट ऑफ एटम, दिस इज सुजैन, दिस इज एटम। प्लीज डू इट, और जिससे आंसर पूछा जाए वही जवाब देगा। प्लीज डू दिस क्वेश्चन। फर्स्ट कन्वर्ट 4300 इंटू किलोग्राम्स एंड देन एड इट टू द सुजैन वेट। हाँ जी बच्चों, हो गया? हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन, प्लीज रेज योर हैंड्स। प्लीज अदर, प्लीज डू इट फास्ट।
बच्चों हुआ नहीं अभी तक, हो गया बेटा? यस हाँ जी, सेक्शन डी, सेक्शन डी रोल नंबर 3, प्लीज कम। हाँ जी बेटा, हैव यू डन? सर नो सर, आई डोंट अंडरस्टैंड। बेटा हैव यू आस्क मी? अब मैंने जब पूछा है तब यू आर टेलिंग मी कि आई डोंट अंडरस्टैंड, बट यू हैव नॉट अंडरस्टूड। व्हेन हाउ टू डिवाइड दिस? बेटा वी हैव टू डिवाइड इट। अच्छा यू डोंट नो हाउ टू डू द कन्वर्जन पार्ट? वी हैव डन सो मेनी क्वेश्चंस राइट एंड कंसेप्ट यस्टरडे आल्सो एंड टुडे आल्सो, एंड यू आर सेइंग आई हैव नॉट अंडरस्टूड। यस स्टैंड अप। हाँ जी बेटा, व्हाट वी वर सपोज टू डू? वी हैव टू फाइंड द एडम्स वेट राइट। Now what is यस Adam is 4,300 gram heavier than Susan. The weight of Susan 40.65 kg. Do you know how to convert 4,300 into kilograms? यस What it will be? सर, डिवाइडेड बाय 1,000। हाँ तो what it becomes? सर 43.00। बेटा व्हेन यू डिवाइड 4,300, सर 4.300। बेटा ये आप खुद कर रहे हो या पीछे से कोई हेल्प कर रहा है? हाँ जी आपको समझ आ रहा था? अभी तो आपको समझ नहीं आ रहा है, अभी आप बता भी रहे हो। तो हु इज हेल्पिंग यू देन? सर नो वन। व्हाई यू आर सेइंग कि आई हैवंट अंडरस्टूड? या तो आप पहले झूठ बोल रहे थे या आप झूठ बोल रहे हो बेटा। आपने पहले बोला कि आई हैवंट अंडरस्टूड, नाउ यू आर टेलिंग मी द आंसर। हाउ इट इज पॉसिबल बेटा? मैम प्लीज चेक वेदर शी हैज अंडरस्टूड और नॉट। हाँ जी बेटा बताओ, समझ आया? अगर नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बाकी लोगों से कॉपी करके बताओगे तो आप हमेशा के लिए प्रॉब्लम रहेगी। पहले समझ नहीं आया था पर यस। बोल रही है पहले समझ नहीं आया था, अभी आया है समझ में। बेटा हाँ जी बच्चे, तो अब आपका आ गया 4.3 kg। तो नाउ यू ऐड 4.3 kg इनटू दिस, तो टू ऐड पुट 1 0 राइट। नाउ इनको ऐड कीजिए बेटा, प्लस करना आता है ना दोनों को? यस रोल नंबर 3 सेक्शन डी आता है बेटा ऐड करना, प्लीज सर डू इट एडिशन। सर 44.95। 44.95 वेरी गुड। तो दिस इज द वेट ऑफ, दिस इज द वेट ऑफ एडम एडम। तो कौन सी चॉइस आएगी बेटा? सर, ए ऑप्शन ए ऑप्शन आ गई है। सर। नाउ द यस थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन बेटा? थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज जेम्स वेट? तो हाउ टू फाइंड आउट द जेम्स वेट? जेम्स इज 2.9 किलोग्राम लाइटर, लाइटर मतलब लेसर। तो फ्रॉम दिस 40.65 kg सब्ट्रैक्ट 2.9 kg। यू प्लीज सिट डाउन, प्लीज डू द थर्ड क्वेश्चन बच्चों। सब्ट्रैक्ट 2.9 kg फ्रॉम 40.65 kg।
हाँ जी बच्चों डन। सेटअप की से ट्रैक 2.9 फ्रॉम 40.65। कितने बोला ये बेटा? Who was the student? Please raise your hand, किसने आंसर किया है क्वेश्चन? हाँ जी बच्चों सब्ट्रैक्शन करनी है आप। किसकी सब्ट्रैक्शन करनी है? 40.65 माइनस 2.9। तो 9 है तो यहाँ पे 0 लगा दे। सही फाइव माइनस 0 विल बी 5। यहाँ से हमने क्या किया? 16 माइनस 7 राइट, 9 माइनस 2 37.75। दैट इज द वेट ऑफ चेन। तो ऑप्शन इज सी ऑप्शन ये ऑप्शन आ गया बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ वन। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ वेट, डिफरेंस इन वेट ऑफ एडम एंड जेम्स इन ग्राम। दिस इज द वेट ऑफ एडम्स, वेयर इज एडम, दिस इज एडम राइट, एंड दिस इज जेम्स। यू हैव टू फाइंड देयर डिफरेंस इन देयर वेट्स इन ग्राम्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द डिफरेंस। How will you find the difference? Subtract the weight of James from Adams. What is the weight of James? इसको बच्चे सब्ट्रैक्ट करके यू रिप्रेजेंट इट इनटू ग्राम्स। प्लीज डू इट। और आंसर वही बच्चा करेगा जिससे पूछा जाए राइट right? हाँ जी बच्चों हो गया। हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन? चलिए रोल नंबर 7 सेक्शन एफ। रोल नंबर 7 सेक्शन एफ। हु इज देयर? आ जाओ जरा बेटा, जस्ट अ मोमेंट, पीछे हो जाओ थोड़ा सा बेटा, कैमरे में मुझे नजर आ रहा है। हाँ जी बेटा, व्हाट्स योर गुड नेम? खुशप्रीत। खुशप्रीत बेटा बताइए क्या आपने किया है? हाँ जी, अभी तक किया नहीं आपने बेटा? क्यों नहीं किया आपने अभी तक? अपनी नोटबुक उठाइए, यहीं पे खड़े होकर सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट आ जाइए बच्चे।
सेक्शन सी से रो नंबर 9, सेक्शन सी रो नंबर 9। आ जाओ बेटा, सेक्शन सी रो नंबर 9। हाँ जी बेटा, बताइए जरा। मॉर्निंग मॉर्निंग बेटा, हैव यू डन? सर, हाफ हो गया, हाफ रह बताइए, जो हाफ पार्ट हो गया वो बताइए जरा मुझे। गया सर। इसे माइनस करके हमारा आंसर आ रहा है 7.20। 7.20 आ गया जी, राइट, दिस इज 7.20। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, सर दिस इज इन केजीज, वी हैव टू फाइंड द आंसर इन ग्राम्स। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा? 7 किलोग्राम 200 ग्राम बन गया बेटा ये, तो प्लीज कन्वर्ट इनटू ग्राम। चल जाइए आप दोनों लोग सेक्शन ए रोल नंबर 11, सेक्शन ए रोल नंबर 11, प्लीज कम। हाँ जी बेटा, हैव यू डन? क्या किया बेटा आपने? First, I have subtracted and then we got 7.20. राइट So then we multiply by 1000 and राइट, देन हाउ मच यू गॉट? सेवन 7.20 टू जीरो and then 304. हाँ जी, 7.20 kgs वी गॉट, यू मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो व्हाट विल बी द आंसर देन? 72 and 40. बेटा क्या बोल रहे हो आप, 72? Sir, yes, 72 and then 20 7200, पहले 4 जीरो क्यों बोल रहे थे? 70 करते 7200 ग्राम विल बी द राइट आंसर, तो चॉइस डी विल बी द करेक्ट आंसर बच्चों, राइट? ठीक सर। है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ ऑल द थ्री? अब बच्चे जो तीनों का वेट है, यू शैल ऐड दिस, ये वाला, दिस वन और दिस वन, इन तीनों को ऐड कर दीजिए, जिससे पूछा जाएगा वही आंसर करेगा बेटा। ऐड ऑल द थ्री वेट्स, हाँ जी बेटा, कोई बात नहीं बेटा, अभी आपका नंबर आता है। हाँ जी बच्चों, यू हैव टू ऐड दी थ्री नंबर्स, 44.95, 47.75 एंड 40.25। हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन? डन। चलिए सेक्शन डी, सेक्शन डी रोल नंबर 20, भूल गया, आ जाए बच्चे बड़ा बच्चे, सर आई एम डूइंग डूइंग तो चलता ही रहेगा, क्यों नहीं किया इतनी देर, एडिशन में कितनी देर लगती है? रोल नंबर 17 सेक्शन ए, आ जाओ बच्चों। हाँ जी बेटा, कर लिया, बताइए क्या किया? वी आर बोथ द टर्म्स
कितना बेटा? कैरी, हाँ जी 15 बार कह रही थे। फिर उसके बाद आया 30, 30 30 23, बनाना बेटा, 20 का 3 आ गया, 2 कैरी हो गया। अच्छा डन। यहाँ पे 30, वहां पे 1 कैरी, फिर वहां पे 12। इट इज 133.35 kg, सो राइट? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? एनीथिंग नॉट क्लियर बेटा इन दिस असाइनमेंट? सर नो, कन्वर्जन सबको क्लियर हो गया प्रॉपरली? चलिए ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक्स टू ऑल टीचर्स, थैंक्स स्टूडेंट्स। यस।